नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। मैं ये जेन्युइन तरीके से बनाऊंगी, कोई भी झटपट या इजी वे में मैं नहीं बना रही हूँ। गाजर के हलवे को बनाने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, बट जब हम इसे खाते हैं तो इस पे किया गया मेहनत हम सब भूल जाते हैं। इस हलवे को हम पारंपरिक तरीके से बना रहे हैं, जिससे कि हमें हमारी मम्मी और दादी के हाथों का स्वाद ज़रूर याद आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स और बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 केजी गाजर। मैंने गाजरों को छीलकर और उसे अच्छे से धो लिया है, जिसे अगले ही स्टेप में हम ग्रेट करेंगे। इसके अलावा दूध हमें चाहिए 700 ml। मैंने दूध की मलाई के साथ दूध का यूज़ किया है, आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, मैंने गाय के दूध का यूज़ किया है। साथ ही चीनी हमें चाहिए होगा 200 ग्राम। इसके अलावा 2 से 3 बड़े चम्मच हम यूज़ करेंगे देसी घी, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं अपने पसंद के। मैंने यहाँ पे काजुओं को बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट लिया है, साथ ही बादाम को ये भी मैंने छोटे टुकड़ों में से काट लिया है। और फ्लेवरिंग और हल्की सी खुशबू के लिए मैंने यूज़ किया है इलायची का पाउडर 1.5 छोटे चम्मच। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे सबसे पहले हम गाजरों को ग्रेट करना शुरू करेंगे, कद्दूकस करना शुरू करेंगे या घसना शुरू करेंगे, जो भी आप कहते हो। तो इसके लिए आपको 2 टाइप का ब्लेड दिखेगा, पतला वाला और मोटा वाला। तो ऑब्वियसली हम मोटा वाला यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए, और जब गाजर पकता है तो ऑटोमेटिकली वो मैशी हो जाता है, तो ज़रूरत नहीं है कि हम छोटे वाले में अपना टाइम वेस्ट करें और मेहनत करें। तो इस टाइप का इसका ये स्ट्रक्चर है। तो फटाफट से हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं और अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। लास्ट में ये जो ग्रीन वाला पार्ट बचता है, इसे हम ऐसे फेंक देंगे, ये देखिए हटा लें, और सेम प्रोसेस से हम सारे गाजरों को घसकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो गाजर है वो हलवा बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बढ़ते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने गैस पे एक कढ़ाई गर्म किया है, इसके अंदर हम घी डालेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच। घी के मेल्ट होते ही इसमें जो ये ग्रेटेड गाजर है उसे हम ऐड कर देंगे। और मैंने यहाँ पे सारे गाजरों को ऐड कर दिया है, देखेंगे आप। तो अभी हम फ्लेम को करेंगे सबसे पहले हाई पे, और हाई फ्लेम पे हम गाजरों को घी में मिलाते हुए इसे अभी हम तकरीबन 15 मिनट के लिए भुनेंगे। ऐसे कंटिन्यूस चलाने का ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट के इंटरवल पे चलाएंगे, रुक रुक के चलाएंगे, और इसे हम हाई फ्लेम पे ही ऐसे 15 मिनट के लिए भून लेंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट के बाद इसका लुक कुछ ऐसा है। ये पककर अपनी क्वांटिटी का आधा रह गया है। इसके बाद अभी हम करेंगे फ्लेम को लो पे, और लो फ्लेम पे हम इसे ढककर और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 2 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे, और आप नोटिस करेंगे कि गाजरों में से जो है वो पानी रिलीज़ हो गया है। तो हम इसे हाई फ्लेम पे करके और 3 मिनट के लिए पका लेंगे, कंटिन्यूस चलाते रहें ऐसे। अब देखिए मैंने फ्लेम को हाई पे किया, बस हाई फ्लेम पे हम ऐसे इसका पानी सुखा लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। अगर आपको भी कम दूध में गाजर के हलवे का स्वाद अच्छा चाहिए तो घी में आप इसे पकाने में कंजूसी ना करें, टोटल 20 से 25 मिनट के लिए इसे कुक कर लें। मैंने भी टोटल इसे 20 मिनट पकाया, जिसके बाद हम फ्लेम को करेंगे लो पे, और इसके अंदर हम इस स्टेज पर ऐड करेंगे दूध। दूध मिला देने के बाद हम फ्लेम को मेनटेन करेंगे मीडियम टू हाई पे। इस हलवे को हम मीडियम फ्लेम पे ही दूध के सूख जाने तक कुक करेंगे, कंटिन्यूस चलाने का ज़रूरत नहीं है, आप 5 मिनट के इंटरवल पे चलाएं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि गाजरों में दूध एब्जॉर्ब हो गया है, और मीडियम फ्लेम पे कुक हो रहा था तो ये तले से लगने भी लगा है। तो फ्लेम को हम कर देंगे लो पे और इसे ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे, और ये फिर से थोड़ा सा वाटरी हो जाता है, तो इसे हाई पे करके हम और 2 मिनट के लिए कंटिन्यूस चलाते हुए पका लेंगे। हाई पे करके इसे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी हम इसे फिर से ढककर और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि गाजरों में दूध पूरी तरीके से सूख जाए।
5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि गाजरों में दूध पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है, ये काफ़ी हद तक सूख गया है। तो इसे अब हमें और नहीं पकाना है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे चीनी। मैं पूरा चीनी नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे यहाँ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, बट मैंने जो मेज़रमेंट बताया है उसे आप पूरा यूज़ करें परफेक्ट मीठा के लिए। चीनी को हम ऐसे मिला देंगे। चीनी के पिघलते ही आप देखेंगे कि हलवे का कलर चेंज होकर गाढ़ा हो गया है। तो इसे हम हाई फ्लेम पे करके चीनी का सारा पानी सुखा देंगे क्योंकि ये फिर से चीनी पिघलने के कारण गीला हो जाता है। तो इसे सुखा लें। तो हाई फ्लेम पे हमने इसे पकाकर इसे सुखा लिया है, काफ़ी हद तक ये सूख चुका है। इस स्टेज पे हम सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैंने ये बादाम डाल दिया, थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। जिसके बाद इसके अंदर हम बारीक कटे काजू भी डाल देंगे। और मैंने पहले भी बताया है कि आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इलायची का पाउडर भी हम यहीं पे डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। ड्राई फ्रूट्स हमने मिला दिए हैं और अभी से लेके लास्ट तक हम इस हलवे को पूरा मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। घी डाल देंगे इसके अंदर बचा हुआ। ये हलवा अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है, बट फिर भी अगर आप गीला हलवा खाना चाहते हैं तो आप गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हैं। मैं इसे और पकाऊंगी। ज़्यादा बेहतर रिजल्ट और स्वाद के लिए आप इसे तब तक पकाएं जब तक कि हलवा ऑटोमेटिकली अपना कढ़ाई ना छोड़ने लगे और एक जगह इकट्ठा ना होने लगे। ये हलवा हमारा लगभग तैयार हो ही गया है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस लास्ट स्टेज पे जो बचा हुआ घी है उसे टाइम टू टाइम ऐड करते रहना है और इसे ऐसे सुखा लेना है। इस स्टेप को आप ज़रूर ट्राई करें, इससे हलवे का स्वाद काफ़ी उभर कर आता है। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अपना जो कढ़ाई है वो ऑटोमेटिकली इससे अलग ना होने लगे और एक जगह इकट्ठे ना होने लगे। तो हाई फ्लेम पे कंटिन्यूस चलाते हुए हमने इस हलवे को काफ़ी हद तक पकाकर सुखा लिया है और आप नोटिस करेंगे कि ये तले से अलग भी होने लगा है। हमने इसे लगभग 10 मिनट पकाया है और मैंने इसमें सारे बचे हुए घी को भी ऐड कर दिया है। हमारा हलवा बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। हमने इस पर काफ़ी मेहनत भी करी है और मेरा हाथ भी लाल हो गया है। चलिए गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे सर्व करते हैं। लास्ट में हमारा जो बचा हुआ काजू और बादाम था उससे हम गार्निश भी कर सकते हैं और हमारा हलवा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस हलवे को बनाने में हमने कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं किया है, हमने पारंपरिक तरीके से बनाया है जैसे हमारी मम्मी नानी या दादी बनाया करती थी। और इस हलवे को बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगी है, तो लाजमी है कि यह स्वादिष्ट होगा ही। चलिए हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय। Bye-bye.